लोकसभा हम जारी है, सभी प्रत्याशी अपने जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी ओर करने प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 25 मई को मतदान है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान सांसद और लोकसभा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी, इनसे हम बात करेंगे कि जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, अपने 5 साल के कार्यकालों में इन्होंने क्या क्या किया है, इस तमाम बातों को इनसे बात करेंगे। आइए, हमारे साथ मौजूद संगम लाल गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनता के बीच आप जा रहे हैं, वर्तमान सांसद भी हैं, कहीं ना कहीं सत्ता का विरोध होता है, किस तरह चुनौतियां आप मिल रही हैं जनता के बीच? देखिए, सत्ता का विरोध किसका होता है? जो अपने परिवारवाद करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित होकर काम करता है, उसका विरोध नहीं होता है। 5-10 साल मोदी जी ने जो कार्य किया है, जो जनता के दिलों पर राज किया है, जो उनका विश्वास जीता है, और जो हमने 5 साल में कार्यकाल में, 2 साल कोरोना में, उस समय भी मैं नहीं बैठा, 50,000 लोगों को बाहर से हमने प्रतापगढ़ लाने का काम किया, और 3 साल जो बचा उसमें हमने विकास के लिए भारत सरकार से 6,500 करोड़ रुपए, प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का, बंद पड़ी ATL में पुनः उद्योग स्थापित करने का, उस जमीन को UPSIDC को हैंडओवर करा के 1,100 करोड़ का MOU कराए, तो ये सारे कार्य जो है ना, लोगों को दिखता है, और जब सारे कार्य दिखते हैं तो लोगों में विश्वास जागता है। सांसद जी, प्रताप में रोजगार की बहुत दिक्कत है, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, तो इन 5 सालों में आपने युवाओं के लिए क्या किया उसके बारे में? देखिए, एक हमारे यहाँ बड़ा उद्योग था जो सपा की सरकार ने उसको बेच दिया था प्राइवेट व्यक्ति को, उसको हमने क्लियर कराया है, उसी में हम एक बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे। प्रतापगढ़ में औली की पहचान, प्रतापगढ़ जाना जाता है, इन 5 सालों में औली किसान की स्थिति बहुत खराब है, वो उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो 5 सालों में औली किसानों की आपने क्या किया और आगे क्या करेंगे? देखिए, उनको एक NGT की समस्या थी, हमने भारत सरकार से NGT को खत्म कर दिया है, जो उनको समस्याएं आती थी, जो अड़चने आती थी, उसको हमने भारत सरकार से उसको खत्म कराने का काम किया है। देखिए, जब तक कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, छोटे यूनिट नहीं, अब मेरी कोशिश है कि बड़ा कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो। सांसद, जिले में कई ऐसे विद्यालय जहाँ पानी की दिक्कत है, बच्चों को गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, 5 सालों में पानी के लिए कितना काम किया गया प्रतापगढ़? देखिए, पानी के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने हर घर जल योजना, और वो भी 1 साल के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसको जल से नल ना मिले, तो गांव-गांव में टंकियां लग रही हैं, पानी के ऊपर तो सरकार बिल्कुल चिंतित है और पानी में कोई समस्या नहीं है उसकी। जैसे रामपुर खास कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, प्रमोद तिवारी मन से कहा कि वो रामपुर खास से प्रत्याशी को जीता कर भेजेंगे जिले में, तो कैसे आप इस चुनौती देखते हैं? देखिए, कोई भी जनता अपने वोट को खराब करना नहीं चाहती है, ठीक है, ये है देश का चुनाव, ये राष्ट्र के, एक तरफ परिवारवाद, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर बनवाने वाले चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को तो साफ है, फैसला जनता को करना है कि गोलियां चलवाने वाले और परिवारवाद को वोट देना है, जो राष्ट्रवाद और जो मंदिर बनवाया उनको वोट देना है। सांसद जी, वीडियो आ रहा धीरे ओझा जी का, अनिल राजभट्ट जी, उसमें उन्होंने विरोध किया प्रत्याशी आपका, क्या इसे किस तरह देखते हैं, क्या कोई मन में आपसी कला चल रही है? नहीं, ऐसा कोई कला नहीं है, ऐसा कोई विरोध नहीं है, सारे के सारे नेता अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा परिवार है और परिवार में कोई ऐसी बातें नहीं है। अधिवक्ता समाज जो बुद्धिजीवी होता है, उस चुनाव में काफी असर होता है, तो प्रताप के अधिवक्ताओं के लिए आपने 5 साल में क्या किया और आगे क्या करेंगे, वो सुरक्षा अधिवक्ता सुरक्षा दी मांग कर रहे हैं। देखिए, अधिवक्ता समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, और हमने अधिवक्ताओं के लिए सेट भी लिया, 3.5 तहसीलों में भी हमने कराया है, और जो उनका समय समय पर मांग आता है उसको हम पूरा कराने का काम करते हैं। 16 मई को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं प्रतापगढ़, तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या रणनीति? देखिए, दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतापगढ़ आ रहे हैं, तो हम सबका सौभाग्य है, हम सब उनके विचारों को सुनेंगे, और प्रतापगढ़ के लिए अगर इस कार्यकाल में 6,500 दिए हैं तो अगले कार्यकाल में उसका डबल करेंगे, हम लोगों के लिए तो खुशखबरी है। चुनाव में आप जनता के लिए
क्या मुख्य एजेंडे लेके जा रहे हैं, और अगर आप फिर सांसद बनाती है तो उनके लिए और आगे क्या एजेंडा? तो हमारा सिर्फ विकास है, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, रोजगार को बढ़ावा देना और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, दूसरा छोटा एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा पृथ्वीगंज है उस पर सेना की जमीन है, उस पर भी काम कर रहे हैं, उसको भी जीवित करने का, वहाँ से भी छोटी उड़ानें भरी जाए, और भी कई सारी कामें हैं उसको हम पूरा करेंगे दूसरे कार्यकाल में। सांसद जगेश्वरगंज में गोभी गांव है, वहाँ अंडरपास ही अंडरपास का प्रोसीजर हो चुका है, अंडरपास वहाँ सेंक्शन हो चुका है, वो कमेटी में है, चुनाव आचार संहिता के बाद उसको हम क्लियर करा के चालू कराएंगे। विपक्ष बराबर आरोप लगा रहा है कि सांसद जी काम क्यों कागज पे है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए क्या होता है, एक मकान बनाने लगी है तो उसमें समय लगता है, ठीक है, विपक्ष ही बता देवे कि उसने क्या किया है, तो विपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं 18 साल, यही जनप्रतिनिधि थे, 4 बार सरकार थी, वो बता देवे एक काम प्रतापगढ़ के लिए, और हमारे साथ बैठ जाए, हम बता देवे काम के लिए काम कैसे होता है, बाईपास बन रहा है, 51 किलोमीटर का बाईपास बन रहा है, सारे तो काम शुरू हो गए हैं, अब उसको पूरा होने में तो समय लगेगा भैया। प्रतापगढ़ बसपा से प्रतिम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह देखते हैं कि उनके आने से ब्राह्मण मतदाता कन्वर्ट होंगे? देखिए ब्राह्मण मतदाता समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, अपने वोट को कहीं खराब नहीं करना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि ब्राह्मण समाज नहीं पूरे लोकसभा को मालूम है कि वो कहाँ से उनको प्रोजेक्ट किया गया है और कहाँ से उनको मूवमेंट किया जा रहा है, ये जनता जान भी रही है, कोई अपना वोट नहीं खराब करना चाहता। हमारे साथ सांसद प्रत्याशी चंद्रलाल गुप्ता, इनका साफ तौर कहना है योगी और मोदी के विकास को लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं, और इन्होंने 5 साल में जो कार्य किए हैं उसको भी जनता के बीच में ले आ रहे हैं, जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है, विपक्ष ने उसको भी जनता के बीच में ले आ रहे हैं, जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ना उनका कोई प्रधानमंत्री भी निश्चित है। गौरव तिवारी, ग्लोबल भारत के साथ।